जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, सर्किल में मोशन करता है, तो ऐसा नहीं है कि अभी मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो सिर्फ ये एंगल को ही स्वीप आउट नहीं करता है, बल्कि ये एक लेंथ ऑफ आर्क को भी कवर करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ ऑफ आर्क को भी कवर करता है। तो ये जो एंगल है और ये जो आर्क ऑफ लेंथ है, इसके बीच में एक रिलेशनशिप है, जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। तो क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, वो थोड़ा जान लेते हैं। एक्चुअली ये जो आपका एस है, एस हमारा क्या है, तो एस हमारा लेंथ ऑफ आर्क है, और इसका एंगल के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो इसका जो रिलेशनशिप होता है वो होता है आर थीटा। अब यहां पर आर मेरा क्या है, तो ये जो आर है एक्चुअली एक सर्किल का रेडियस है, और ये थीटा है, मतलब कि जब एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो कितना एंगल वो स्वीप करता है, वो हमारा थीटा है। सो जो लेंथ ऑफ आर्क है और जो हमारा एंगल है, उसके बीच का एक रिलेशनशिप है आर, एस इज इक्वल टू आर थीटा, या आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ये रिलेशनशिप आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो इसे आप मेमोराइज कर लें। अब रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो एक्चुअली वो सर्कमफ्रेंस पे चलता है, तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और जब इस सर्कमफ्रेंस पे चलता है तो उसकी वेलोसिटी लीनियर हो जाती है, उसकी वेलोसिटी लीनियर हो जाती है, और उस वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन तय करता है, तो उस वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट जो है वो इंडिकेट करता है। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है, तो थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो हमारा लीनियर वेलोसिटी होता है वो एक्चुअली किससे बनता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से बनता है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हुआ। अब थोड़ा हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको थोड़ा इस प्रकार से लिख सकते हैं, d अपॉन dt टाइम s। अब s की वैल्यू क्या है, तो अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया कि s मतलब कि जो लेंथ ऑफ आर्क है और जो थीटा है उसके बीच में आपका इसके बीच का रिलेशनशिप है, तो s इज इक्वल टू r थीटा होगा, तो हम s की जगह पे जो वैल्यू रखेंगे d अपॉन dt दैट इज r थीटा। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां चलेगा तो थीटा तो बदलता रहेगा, लेकिन क्या सर्किल का रेडियस कभी भी चेंज होगा, एक गिवन सर्किल का रेडियस कभी भी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, और जब भी हम कांस्टेंट चीजों का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अक्सर वो बाहर निकल जाता है
तो हमने कांस्टेंट आर को बाहर निकाल दिया, बचा हमारे पास डी अपॉन डी टी और थीटा। अब ये जो बना आर डी थीटा अपॉन डी टी, अब देखिए एक्चुअली इसको हम क्या रीड करेंगे, तो एक्चुअली हम इसको ये रीड करेंगे कि ये जो है एक्चुअली एंगल चेंज कर रहा है, तो इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा तो क्या पैदा हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या बन जाता है, एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है, जिसे हम इस प्रकार से इंडिकेट करते थे। सो एक रिलेशनशिप जो ये लीनियर वेलोसिटी है, ये वाला आपका लीनियर वेलोसिटी है और ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो इन दोनों के बीच में क्या एक रिलेशनशिप आया, तो इन दोनों के बीच में आपका ये रिलेशनशिप आया कि आर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। सो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, मींस ये लीनियर वेलोसिटी है और ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है। अब हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हमें ये पता है कि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी होता है उसके बीच में रिलेशनशिप ओमेगा आर का होता है। अब चलिए हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस्ड होगा। तो लीनियर एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस्ड होगा जब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। तो जब जब वेलोसिटी चेंज करेगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। आप देखिए कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ओमेगा आर दिया हुआ है। अब क्या सर्किल का रेडियस चेंज करेगा, नहीं करेगा, तो ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। तो आर बाहर निकल जाएगा, बचेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब यहाँ पे क्यों चेंज कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमारा कितना होगा। तो जब भी हम एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करते थे तो हमें मिल जाता था एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा से इंडिकेट करते थे। सो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दोनों का बीच का जो रिलेशनशिप है वो है ए इज इक्वल टू आर अल्फा। आर यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया।